नमस्कार दोस्तों, वैसे हिंदू धर्म में पूजा और वास्तु दोष का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। कहते हैं जब हम अपना घर बनाते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही बनाना चाहिए। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा भी नहीं लगता जब आप नए घर में जाते हैं और नई नई समस्या आपको घर में पनपती हुई नजर आने लगती हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि अपना घर वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बनवाएं। और गृह प्रवेश का भी एक नया अनोखा विधि नहीं है। पंडित जी कहते हैं कि आप अपने नए घर में प्रवेश करें तो एक विधि से करें। गृह प्रवेश का मतलब होता है कि जब आप नए घर में पहला प्रवेश करें उससे पहले किसी भगवान या देवी की पूजा करवाएं, जब जाके आप अपना पहला कदम उस घर में रखें। तो जानिए इस वीडियो के दौरान कि गृह प्रवेश का क्या महत्व है। नंबर एक, जब हम अपने घर में पहला प्रवेश करते हैं तो वह अपूर्व प्रवेश कहलाते हैं, क्योंकि इस समय जब हम अपने घर में प्रवेश करते हैं तो वह अपूर्व प्रवेश कहलाता है, क्योंकि जब हम घर में पहला कदम रखते हैं तो उस समय हम पूरे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि जब हम घर में पहला प्रवेश करते हैं तो वह अपूर्व प्रवेश कहलाया जाता है। नंबर दो, सपूर्व। जब हम अपना नया घर बनवाते हैं तो हम उस समय थोड़ी देर के लिए घर जाते हैं और उसके बाद उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं। उस समय में जो पूजा की जाती है वह गृह प्रवेश कहलाती है। गृह प्रवेश का अपना अलग महत्व है। कहा जाता है कि बिना गृह प्रवेश के अगर आप घर में प्रवेश करते हैं तो इससे कलह, अनेक प्रकार की कठिनाइयां या परेशानियां भी घर में आती हैं। नंबर तीन, जब हम अपने घर में रहते हैं और किसी परेशानी या किसी कलह की वजह से हम अपने घर को छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन हम घर से कहीं दूर या कहीं अलग रहने चले जाते हैं ताकि उसमें जो परेशानियां हमें हो रही हैं उन सब से हमें छुटकारा मिल सके, तो उस गृह प्रवेश को द्वंद्वक प्रवेश कहलाया जाता है। नंबर चार, गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त। जब हम अपने घर में, नए घर में प्रवेश करते हैं तब उसके लिए हम अच्छा दिन, अच्छा कौन सा बार है, कौन सा मुहूर्त है, कौन सा समय, यह सब देखकर ही गृह प्रवेश करते हैं और उसके लिए हम ब्राह्मणों को घर पर बुलाते हैं ताकि वह मंत्र उच्चारण करके सारे जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करें और घर का शुभ मुहूर्त करें। इससे हमारे घर में शुद्धियां आती हैं और हमारे जीवन में नई खुशियां भी आती हैं। नंबर पाँच, वास्तु पूजा। जब हम घर में गृह प्रवेश की पूजा कराते हैं उससे पहले ही वास्तु पूजा की जाती है। वास्तु पूजा हमारे मेन गेट यानी घर के बाहर की जाती है। वहाँ पर एक कलश लेते हैं तांबे का, उसमें हम नौ प्रकार के अनाज रखते हैं। अनाज रखने के बाद एक नारियल को लाल कपड़े में बांधकर और कलावे से उसे बांधकर तांबे के लोटे पर रखते हैं। इस तरह से उस पूजा को संपन्न किया जाता है। उस पूजा को संपन्न करने पर जहाँ पर हमारी गृह प्रवेश की पूजा की जा रही है वहाँ पर उस कलश को पास में ही रख देते हैं। इससे आपके गृह प्रवेश की भी पूजा हो जाती है। पंडित जी के मंत्र के उच्चारण के द्वारा ही हो सकता है। छः, वास्तु शांति के लिए और ग्रहों की शांति के लिए हम ये पूजा कराते हैं। यह पूजा इसलिए भी कराई जाती है ताकि जो घर में नकारात्मक प्रभाव है वो दूर हो जाए। नकारात्मक प्रभाव जैसे कि कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की कलह कलेश हो, उन सबको दूर करने के लिए हम गृह शांति कराते हैं। गृह शांति पूजा कराने के बाद जब यह पूजा संपन्न हो जाती है तो पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा देकर उनसे विदा ली जाती है और पूजा करने के बाद घर में गृह प्रवेश किया जाता है। तो ये थे गृह प्रवेश के कुछ ऐसे कारण कि क्यों कराई जाते हैं गृह प्रवेश की पूजा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।